राजधानी जयपुर में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर यातायात पुलिस हरकत में आ गई है। शहर के जेएलएन मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाकर हादसों को कम करने के लिए आदर्श सड़क प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इसके लिए जेएलएन मार्ग पर जवाहर सर्किट से बजाज नगर तिराहे तक करीब 2 किलोमीटर का क्षेत्र आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश की पहल पर यह प्लान तैयार किया गया है जो 9 अप्रैल से पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट में 15 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आदर्श सड़क पर यातायात पुलिस का पूरा फोकस लेन ड्राइविंग पर रहेगा। इस आदर्श सड़क पर लेन ड्राइविंग के तहत थर्ड लाइन में ऑटो ट्रक जैसे कम गति के वाहन चलेंगे, वहीं मिडिल लेन में फास्ट व्हीकल और फर्स्ट लेन में ओवरटेकिंग एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और वीआईपी सहित अन्य कई इमरजेंसी वाहन चलेंगे और इसके अलावा यहां बड़ी साइज में प्रिंटेड स्पीड लिमिट बोर्ड भी लगाए जाएंगे और इस सड़क पर वाहन चालकों की ओर से नियम तोड़ने पर एमवी एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही कैमरे की सहायता से विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। जेएलएन मार्ग पर आदर्श सड़क प्रोजेक्ट सफल होने पर जल्द ही इसे अन्य मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए खुद डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने आमजन से अपील की है। मार्ग के ऊपर लगभग 3 किलोमीटर के पैच में, जो कि बजाज नगर टी पॉइंट से शुरू होता है और जवाहर सर्किल तक जाता है, उस क्षेत्र में हम लोग सड़क पर चलने वालों के बीच में एमवी एक्ट के नियमों की पालना को लेकर के जागरूकता लाने का एक प्रयास कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उस सड़क पर चलने वाले लोग जयपुर शहर के अन्य नागरिकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस सख्ती से पालन करना चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे जो प्रमुख भाग है वो है लेन ड्राइविंग, जिसमें कि हम लोग जो मीडियन से सबसे अंतिम लेन या तीसरा लेन है उसके अंतर्गत 3 पहिया चालक और लोडिंग गाड़ियां जो है, जो कि स्लो मूविंग गाड़ियां हैं, और बाइक्स, उनको चलने का करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा लेन और पहला लेन है मीडियन से, उसमें तेज चलने वाली गाड़ियां जो 4-व्हीलर्स हैं, कार हैं, जीप हैं, वो चलेंगी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।